प्रायोजक है होटल फाइव सेंसेस एके टेंट एंड केटरर। साई प्रणाम, सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं पूजा वर्मा। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। सीएम योगी ने किया पहले मतदान फिर जलपान के मंत्र का अनुसरण, अपने बूथ के पहले वोटर भी बने। मतदान के बाद सीएम योगी ने पत्रकार वार्ता कर कहा, मतदान हमारा अधिकार ही नहीं कर्तव्य भी। शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में बूथों का डीएम व एसएसपी ने किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने किया मतदान, कहा लोकतंत्र में मतदान आपका अधिकार। एसएसपी ने दी जानकारी, कहा निष्पक्ष व निर्भय होकर जनपदवासी अपने मतों का करे प्रयोग। डिप्टी डीईओ ने मतदान कर आम जनमानस से लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील। सपा प्रत्याशी काजल निषाद ने मतदान कर लोगों से बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील। और बड़े बुजुर्ग महिलाओं और नौजवानों ने लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर ली हिस्सेदारी, पूरे जोश और उत्साह के साथ किया मतदान। नगर निगम चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को पहले मतदान फिर जलपान के मंत्र का पालन करते हुए गोरखनाथ स्थित इंग्लिश मीडियम प्राथमिक विद्यालय कन्या के बूथ संख्या 797 पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सुबह 7:01 पर ही इस आदर्श मतदान केंद्र के बूथ पर पहुंचे मुख्यमंत्री अपने बूथ के पहले वोटर भी बने। मतदान के बाद मुख्यमंत्री गोरखनाथ मंदिर लौटे और जलपान किया। इस मौके पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर, सीडीओ संजय कुमार मीणा, नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल, एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। अरे यहीं पे थैंक यू, धन्यवाद। सुशील भाई मेरा
मतदान के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मतदान हमारे महान संविधान के निर्माताओं द्वारा दिया गया लोकतांत्रिक अधिकार ही नहीं बल्कि कर्तव्य भी है। नगर निकाय के चुनाव में इस अधिकार का बेहतर उपयोग करते हुए हम नगरीय व्यवस्था को सुदृढ़ करने, स्मार्ट व सेफ सिटी बनाने की दिशा में योगदान दे सकते हैं। सीएम योगी ने कहा कि नगरीय क्षेत्रों में सुव्यवस्थित विकास को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को धरातल पर उतारने के लिए मतदान के अधिकार को कर्तव्य मानकर इसका बेहतर उपयोग करें। नगर निकाय के चुनाव के प्रथम चरण का आज मतदान प्रारंभ हो चुका है। मैंने अभी मतदान किया है। पूरे प्रदेश में 4,32,00,000 से अधिक मतदाता नगर निकाय चुनाव में दो चरणों में होने वाले चुनाव में भाग लेकर के नगरीय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, सुंदर बनाने और स्मार्ट सिटी और सेफ सिटी के कॉन्सेप्ट को लागू करने के लिए प्रदेश की जनता जनार्दन और नगरीय क्षेत्र के मतदाताओं के द्वारा ये चुनाव प्रारंभ हो रहा है। आज प्रदेश के 10 नगर निगम में, 104 नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में और 276 नगर पंचायतों में कुल 7,288 वार्ड में ये चुनाव संपन्न होंगे, जिसमें मतदान केंद्र 7,362 हैं और कुल जो बूथ हैं वो 23,617 बूथों पर ये चुनाव अभी 7 बजे से प्रारंभ हो गया है, जिसमें 2,40,00,000 से अधिक मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 37 जनपदों में चुनाव आज प्रारंभ हो रहा है और ईश्वर की कृपा देखें कि कितना सुहावना मौसम है। जून महीने में 4 मई में, आज 4 मई को इतना सुहावना मौसम, ये वास्तव में नगरीय सरकार भी अच्छी चुने, मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, इसके लिए इसे मैं ईश्वर की विशेष कृपा मानता हूँ। प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की हैं और मुझे विश्वास है कि शांतिपूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव दोनों चरणों में, पहला चरण आज 4 मई को और दूसरा 11 मई को संपन्न होगा। 13 मई को मतगणना संपन्न होगी। ये चुनावों की प्रक्रिया, इसके साथ ही नगर निकाय चुनाव की जो 762 नगर निकाय प्रदेश के अंदर हैं, जिनमें 17 नगर निगम हैं, 200 नगर पालिकाएँ हैं और 545 नगर पंचायतें हैं, इसके साथ ही ये संपन्न होगा और जनता की बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ नगरीय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, स्मार्ट और सेफ सिटी के कॉन्सेप्ट को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा, महापौर, चेयरमैन और पार्षदों के द्वारा नगरीय क्षेत्रों को कार्य करने के लिए एक अवसर मिलेगा। मेरी प्रदेश के प्रथम चरण में मतदान करने वाले सभी मतदाताओं से अपील है कि मतदान हमारा केवल अधिकारी नहीं बल्कि कर्तव्य भी है। भारत के महान संविधान वेताओं के द्वारा, संविधान निर्माताओं के द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिक को, हर वयस्क मतदाता को यह अधिकार दिया गया है, हम इसका बेहतर उपयोग करें और ईमानदारी के साथ बेहतर उपयोग अगर हम करते हैं
तो स्वाभाविक रूप से उसी प्रकार की बुनियादी और बेहतर सुविधाएं पाने का अधिकारी भी हर नागरिक बनता है। मतदान अवश्य करें, हो सकता है कुछ जगह बारिश की कुछ बौछारें देखने को मिले और हो सकता है कुछ जगह धूप भी दिखाई दे, क्योंकि 9 कमिश्नरी के 37 जनपदों में आज चुनाव हो रहा है। पूरे प्रदेश भर में सहारनपुर से लेकर के गोरखपुर वाराणसी तक आज चुनाव संपन्न होने जा रहा है और पूरे प्रदेश में होगा। लेकिन इस सब की प्रवाह के बगैर अपने इस लोकतांत्रिक अधिकार को कर्तव्य मान करके इसका बेहतर उपयोग हर मतदाता करेगा, ये मेरी प्रदेश के सभी मतदाताओं से अपील रहेगी। और इस अवसर पर मैं एक बार फिर से लोकतंत्र के इस उत्सव में भागीदार होने वाले सभी मतदाताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, धन्यवाद। मजबूत लोकतंत्र और भयमुक्त मतदान को लेकर जिला प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गुरुवार को मतदान प्रक्रिया को साकुशल संपन्न कराया। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश व SSP डॉ. गौरव ग्रोवर ने शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर मतदान में लगे मतदान कर्मी को व सुरक्षा कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए मतदान को सकुशल संपन्न कराने की बात कही। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया, आज जनपद गोरखपुर में 1 नगर निगम और 11 नगर पंचायतों में पोलिंग का कार्य हुआ है। सुबह 7 बजे से शाम में 6 बजे तक पोलिंग टाइमिंग है। लगभग 5,500 कार्मिक लगाए गए हैं। जो शहरी क्षेत्र है वहाँ EVM से पोलिंग है, जो नगर पंचायत है वहाँ पे बैलेट से वोटिंग है। और हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग, क्योंकि आज अवकाश भी घोषित किया गया है, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग घर से निकले वोटिंग से। कुल 256 वार्ड है जिसमें 109 सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स लगाए गए हैं। इनके पास 2-2 सरप्लस मशीन्स भी दिए गए हैं। 19 जोनल मैजिस्ट्रेट डिप्लॉय किए गए हैं। इसके अलावा जितने भी संवेदनशील बूथ हैं वहाँ पे स्टैटिक मैजिस्ट्रेट्स भी अपॉइंट किए गए हैं और पर्याप्त फोर्सेस अवेलेबल हैं। भारतीय जनता पार्टी से मेयर पद के प्रत्याशी डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने अपने निवास से निकलकर महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर पहुँचे, वहाँ पर पूरे विधि विधान के साथ पूजन दर्शन किया। उसके बाद नगर निकाय चुनाव में वार्ड नंबर 80 के भाग संख्या 812 SD एकेडमी में अपने परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे। डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने मतदान कर नगर वासियों से अपने मतों का प्रयोग करने की भी अपील की। मैंने तो अपना वोट डाल दिया, आइए आप सभी अपना वोट जल्दी शीघ्रता करें। जनपद में 1 नगर निगम व 11 नगर पंचायतों में मतदान प्रक्रिया कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सकुशल संपन्न कराई गई। मतदाताओं को निष्पक्ष व निर्भय वातावरण में मतदान करने के लिए पर्याप्त सुविधाओं के साथ मतदान बूथों पर व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। नगर निकाय चुनाव में स्थानीय पुलिस, गैर जनपद की पुलिस, PSC, BSF आदि के जवानों को भी लगाया गया है। सभी लोग ध्यान देंगे, कोई भी किसी तरह का कोई मोबाइल अपने पास नहीं रखेंगे। सभी से आग्रह है कि आप कोई भी किसी तरह का मोबाइल अपने पास नहीं रखेंगे, निर्भीक होकर अपने मतदान का प्रयोग करें।
सभी जितने भी पीएलओ हैं, जो भी मतदाता आते हैं उनकी परेशानियां हैं उनको दूर करें, उनका बूथ नंबर बताएं। इस संबंध में सचिवन संवाददाता से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया। देखिए, आज जनपद गोरखपुर में नगर निगम और 11 नगर पंचायतों के संबंध में वोटिंग हो रही है। सभी मतदान केंद्रों पर और सभी क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ऑफिसर्स की सुपरविजन में फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है, जिसमें पोलिंग सेंटर्स के साथ साथ आसपास का एरिया लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिकोण से भी वहाँ पर पेट्रोलिंग पार्टीज पिकेट्स वगैरह लगा करके ये इंश्योर किया जा रहा है कि सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग निष्पक्ष और एक अच्छे वातावरण में कर सकें। मैं सभी सारी जनता से अपील करता हूँ कि भारी संख्या में अपने मतों का प्रयोग करें और जो ये हमारा प्रजातंत्र का जो ये महाकुंभ है उसमें अपना योगदान दें। बिल्कुल, यहाँ पे जनपदीय पुलिस के साथ साथ अन्य जनपदों से भी हमें फोर्स प्राप्त हुआ है। पीएसी और बीएसएफ को भी यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है और सभी को सकुशल संपन्न कराने के लिए निर्देशित किया गया है। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। एके टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह, हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडा, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935509081। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा, आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। हाय, मैं विशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। मैं हूँ दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ, आप देख रहे हैं सिटी वन गोरखपुर का नंबर वन चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। हाय मनमीत, हाय मनमीत विद मी ब्रोस, और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते हैं दिन भर। नगर निकाय चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के साथ ही अपने मत का प्रयोग करने में भी अधिकारी पीछे नहीं हैं। बता दें कि डिप्टी DEO राजेश कुमार सिंह बेतिहाता स्थित महाराणा प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बने बूथ पर अपने मत का प्रयोग कर आम जनमानस से इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जनपदवासी लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए अपना भरपूर सहयोग प्रदान करें। इस संबंध में सचिवन संवाददाता से बात करते हुए डिप्टी DEO राजेश कुमार सिंह ने बताया। हमारे जनपद में नगर निगम में और पूरी 11 नगर पंचायतों में मतदान प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, शांतिपूर्ण चल रही है। नगर निगम में 827 बूथ हैं, सभी पर मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है। छुटपुट कहीं EVM की प्रॉब्लम आई जिसको तत्काल रिमूव करके और शांतिपूर्ण मतदान कराया जा रहा है। कहीं पर भी लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोबाइल लेकर नहीं, मोबाइल को लेकर के थोड़े से इशू थे, उसको सॉर्ट आउट कर दिया गया है और अब कहीं पर कोई इशू नहीं है। मेरी अपील है सभी नागरिकों से, मेरे सम्मानित मतदाताओं से कि वो आएं और अपने मतदान बूथ पर मतदान अवश्य करें। नगर निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी की मेयर पद की प्रत्याशी
काजल निषाद ने गुरुवार को डीडी ऑफिस के पास सरमाउंट स्कूल में अपने मत का प्रयोग कर आम जनमानस से बढ़ चढ़ कर मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हमें अपनी सरकार को चुनना होगा और ऐसी सरकार चुनना होगा जो हमारी सेवा और हमारी जरूरतों को पूरी कर सके। कि मैंने अपना मतदान कर दिया है, आप लोग भी अपने अपने घरों से निकलिए और मतदान अवश्य कीजिए, मतदान जरूर कीजिए। ये बहुत जरूरी चीज है, ये आपका हक है, ये आपका अधिकार है, आपको करना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ राजतंत्र नहीं है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है। राजतंत्र में तो हम चुन नहीं पाएंगे अपने नेता को या अपने क्षेत्र की सेवा करने के लिए या प्रतिनिधित्व, लेकिन लोकतंत्र में हम अपने नेता को चुन पाएंगे, हमारी जो सेवा कर सके, हमारे जो कार्य कर सके, हमारे जो काम कर सके, हमारे शहर को जो सुंदर कर सके, सारी सुविधाएं आपको दे सके, आप चुन सकते हैं। तो इसीलिए आपको मतदान अवश्य करना चाहिए और वो करना पड़ेगा आपको। आप जो भी आपका निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा। जिस भी प्रत्याशी को आप चुनना चाहे चुनिए, लेकिन घरों से निकलिए और मतदान अवश्य कीजिए। गुरुवार को नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण में मतदान प्रक्रिया प्रारंभ होने के साथ ही जहां जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की, वहीं बड़े बुजुर्ग, महिलाओं व नौजवानों ने भी अपनी सरकार को चुनने के लिए घरों से निकलकर मतदान स्थलों तक पहुंचे और पूरे उत्साह व जोश के साथ अपने मत का प्रयोग कर सभी से मतदान करने की अपील भी की। बूथों पर लंबी लंबी कतारों के बीच लोग अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हुए नजर आए। वहीं मतदान प्रक्रिया को भयमुक्त बनाए रखने के लिए जिला व पुलिस प्रशासन की तरफ से पर्याप्त इंतजाम भी बूथों पर किए गए थे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लोगों ने निर्भीक होकर अपने मत का प्रयोग किया। आपकी बदनामी होगी ना कि ऐसे खड़े जैसे बदमाश खड़े होते। वो डाल भाई बाटा, वो डाले ना जाए, इधर घुमा दीजिए। लिखिए भाई, आप लिखिए, फोटो खिंचो एक बार, मान लीजिए। अरे सर भाई, सर भैया, अरे सर भाई, इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए मतदाताओं ने बताया। वोट दिया मतदान क्या, पहले मतदान तो जलपान, क्या मुद्दा है? मुद्दा क्या है, विकास चारों तरफ हो रहा है, विकास ही सबके लिए कुछ चाहिए, विकास हो रहा है, विकास में सभी लोग कमल का बटन दबा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चारों तरफ पूरे उत्तर प्रदेश में कमल खिल रहा है। जिस बूथ स्तर पर मुख्यमंत्री ने वोटिंग किया आज, वहाँ हमने भी किया, कैसा जी लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा है, जहाँ मुख्यमंत्री वोट डाले हम लोग भी वोट डाले हैं, ये गौर की बात है। क्या इनके सगम विकास हो रही है? बिल्कुल विकास हो रही है। आप वर्तमान में गोरखपुर के रहने वाले हैं तो 2007 से 12 देखिए, 12-17 देख लिए, 17 से 22-23 का देख लिए कितना विकास हुआ, आप स्वयं विकास कर लेंगे कि गोरखपुर में कितना विकास हुआ है। बस मुद्दा कुछ नहीं बाबू, वोट जो चले बूढ़े आदमी को कौन मुद्दा चाहिए, मुद्दा कवर में गोला लटका, मुद्दा का जरूरत है, वोट देने का हक है, वोट जो चले। बस मुख्यमंत्री ने यहाँ वोटिंग किया? हाँ, मुख्यमंत्री को वोट दिया। हाँ, अच्छा काम कर, स्थानीय के मुद्दे पे आए हैं, जीत जा मोदी जी, योगी जी, पवन त्रिपाठी और जो उठे उनका भी सब जीत जाए बाबू। योगी जी ने आज वोट डाला? हाँ डाले हैं, कहें कि जिताना है योगी जी को और उन्हीं के सबसे पवन त्रिपाठी को, और जो उठे हैं क्या बोलता है उनका नाम को नहीं याद है, लेकिन सब जीत जा भगवान करें और गोरखपुर का बढ़ंती करवाएं।
दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। सीएम योगी ने किया पहले मतदान फिर जलपान के मंत्र का अनुसरण, अपने बूथ के पहले वोटर भी बने। मतदान के बाद सीएम योगी ने पत्रकार वार्ता कर कहा मतदान हमारा अधिकार ही नहीं कर्तव्य भी। शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में बूथों का डीएम व एसएसपी ने किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने किया मतदान, कहा लोकतंत्र में मतदान आपका अधिकार। एसएसपी ने दी जानकारी, कहा निष्पक्ष व निर्भय होकर जनपदवासी अपने मतों का करे प्रयोग। डिप्टी डीईओ ने मतदान कर आम जनमानस से लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील। सपा प्रत्याशी काजल निषाद ने मतदान कर लोगों से बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील। और बड़े बुजुर्ग महिलाओं और नौजवानों ने लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर ली हिस्सेदारी, पूरे जोश और उत्साह के साथ किया मतदान। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।